सीएम हेल्पलाइन में विकासखंड सेगांव और अनियंत्रित निवासरत व्यक्तियों द्वारा बार बार झूठी अवैध एवं पैसों की अवैध वसूली हेतु शिकायत की जाने वालों के विरुद्ध एफआईआर करने की मांग का ज्ञापन दिया गया। विकास खंड की 37 ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों द्वारा जनपद पंचायत में जनपद सीईओ मोहन सिंह वासकले, तहसील कार्यालय में लेखापाल प्रेम सिंह डुडवे और पुलिस चौकी पर चौकी प्रभारी राजेंद्र अवासिया को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज किस बात को लेकर ज्ञापन देने आया था? आज तहसील इकाई के जो पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में झूठी जो सीएम हेल्पलाइन की जा रही है ग्राम पंचायतों के कार्यों को लेकर या और भी जानकारियों को लेकर, जिसका सीधा जनता से और न कोई जनहित के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं रहता है, फिर भी एक ही व्यक्ति के द्वारा बार बार एक ही प्रकार की शिकायत को दोहराया जाता है और उसमें उनसे हम जांच के लिए बुलाते, जांच पे उपस्थित नहीं होकर उनके द्वारा पैसों की मांग की जाती है और इस वजह से हमारे जो कर्मचारी लोग हैं वो मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? प्रकाश आर्य। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।